हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबीज ममा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैसे तो यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो प्रेगनेंसी से पहले भी हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ता है तो क्या होता है कि जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है उस पर दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस वजह से जो यूरिन एक बार में पास होनी चाहिए वो यूरिन जो है रुक रुक के पास होना स्टार्ट हो जाती है। दबाव पड़ने की वजह से यूरिन एक बार में पूरी नहीं निकल पाती है, जिस वजह से इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हमारे यूरिन ब्लैडर में लगभग 2 से 3 घंटे में यूरिन इकट्ठा होने के बाद में हम पास करने चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से एक बार में ही पास हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद यूरिन पास करना पड़ता है, तो जिस वजह से इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि इसको यूटीआई भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये यूटीआई होता क्या है। यूटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, होता क्या है कि जो महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट होता है जब उसमें बैक्टीरिया घुस जाते हैं और इन्फेक्शन को पैदा कर देते हैं तो उस स्थिति को यूटीआई बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो चुका है। तो इसके सबसे पहला जो साइन होता है कि जैसे ही आपका 4th, 5th, या 6th महीना लगेगा, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो आपके पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो साइन होता है कि जो आपको यूरिन होगी वो आपको ड्रॉप्स में आ सकती है, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी, एंड आपके प्राइवेट पार्ट में यूरिन पास करते समय जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, एंड आपको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। तो आपको ये कोई भी अगर साइन दिखाई पड़ता है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर यूरिन चेकअप करवाने की सलाह देते हैं तो आपको बिल्कुल यूरिन चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है वो वजाइना के पास में होता है, तो वजाइना के थ्रू बच्चे के पास पहुंचने के इसके बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आपको इसको तुरंत ही सही समय पे इसका बिल्कुल इलाज करवाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको अपने 4th एंड 5वें महीने में एक बार यूरिन चेकअप जरूर कराना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन से अपने आप को कैसे बचा सकती हैं। तो सबसे पहला काम आप कर सकती हैं कि आपको जब भी यूरिन आए प्रेगनेंसी में तो आपको बिल्कुल भी होल्ड करके नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आलस की वजह से यूरिन पास करने जाते ही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन लगती है तो वो सोचते हैं कि बार बार कौन जाए। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे आप कहीं भी हो, ट्रैवल में हो या घर पे हो या फिर किसी ऑफिस में काम वगैरह करती हो, आपको अपनी यूरिन जरूर पास करनी है, उसको गलती से भी होल्ड ना करें। और दूसरा काम आपको ये करना है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यूरिन ज्यादा आने की वजह से पानी बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। कम से कम पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पिएं, चाहे आपको यूरिन कितनी बार भी जाना पड़े। पानी ज्यादा पीने से ये फायदा होता है कि आप जितनी बार यूरिन पास करने जाएंगी तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जब भी यूरिन पास करने जाएं तो आप अपने वजाइना को बहुत ही अच्छे से क्लीन करें, आगे भी एंड पीछे भी। और आपको ये पानी से ही क्लीन करनी है, कोई भी सोप या कोई भी शैम्पू या कोई भी अदर प्रोडक्ट का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और आपको क्या करना है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान जब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज करती हैं तो आपको तुरंत ही अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, इससे भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होता ही रहता है, तो अगर आप इस दौरान पैंटी का यूज करती हैं, अगर वो गंदी हो जाती है तो आपको उसको तुरंत ही चेंज करना है। आपको गंदी पैंटी बिल्कुल भी पहन के नहीं रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि आप एक नंबर लूज ही पहने, आपको इस समय बहुत ज्यादा टाइट पैंटी का यूज नहीं करना है, और आप कोशिश करें कॉटन की ही यूज करें, ये सबसे ज्यादा बेस्ट होती है अगर आप कोई भी यूज ना करें। और आप जब भी पब्लिक प्लेस में टॉयलेट वगैरह करने जाएं तो आप सबसे पहले क्या करें कि वहां पे जो भी पानी वगैरह की सुविधा होती है आप सबसे पहले चारों तरफ से पानी से क्लीन करें, उसके बाद ही आप वहां पे यूरिन पास करें।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का यूज जरूर करना है। इसके लिए आप कीवी फल है, संतरा है एंड आप लाल जो शिमला मिर्च आती है एंड नींबू है इसका सेवन जरूर करें। विटामिन सी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी मात्रा में लेने से ये फायदा होता है कि जो विटामिन सी होता है वो हमारी यूरिन में जो एसिड होता है उसके स्तर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि जो भी संक्रमण वाले या फिर इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना है ताकि आप प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन से बच सकें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।